नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। पदमपुर से हमारे संवाददाता घनश्याम रवानी ने बताया कि पदमपुर पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी के कारण ही लोग करने लगे हैं लॉकडाउन का पालन। थाना प्रभारी अलका बिश्नोई एवं SDM सुभाष कुमार, तहसीलदार वेद प्रकाश ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मंडी के सभी मार्गों में गली मोहल्लों में गश्त को तेज करते हुए लोगों को समझाया गया कि आप सजग नागरिक भी भूमिका निभाते हुए सरकार का सहयोग घरों में सुरक्षित रहकर करें। सुभाष कुमार ने किराना व सब्जी की दुकानों को सुबह 8 से 12 बजे तक, मेडिकल स्टोर दोपहर 3 बजे तक खोलने के दिशा निर्देश जारी करने के बाद ही दोपहर के सभी बाजारों में सन्नाटा पसरा शुरू हो गया। इसके साथ पदमपुर कोरोना के संकट का अधिक प्रभाव गरीब व मध्य वर्ग के परिवारों के ऊपर पड़ने से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आमजन की सहायता के लिए राज्य सरकार की ओर से NFSA के जुड़े परिवारों को 2 माह का गेहूं निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए डिपो होल्डर को दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन राशन कार्डधारियों ने बताया कि डिपो होल्डर 1 महीने के राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। अधिकांश डिपो होल्डर के पास उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। वार्ड नंबर 4 में उचित मूल्य की दुकान पर देखा गया कि 70 से 80 महिलाएं व पुरुष लंबी कतारों में डिपो होल्डर का सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि 3 घंटे कड़ी धूप में भूखे प्यासे लाइनों में खड़े राशन की दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जब संबंधित अधिकारियों को उपभोक्ताओं की पीड़ा को बताया गया तो 11 बजे के बाद राशन दुकान खुलने पर लोगों ने आक्रोश जताया गया। कहा कि हम लोग लॉकडाउन का पालना करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी लचर व्यवस्था में लोग एक दूसरे के साथ चिपके होने से कैसे तोड़ेंगे कोरोना की चेन को। सरकार को इस ओर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। बताओ अच्छा। कितने बजे आए आप? सुबह 8 बजे। कितने घंटे को तुम खड़े थे? 9 बजे आए हैं थे। पदमपुर इस वक्त खड़े हम वार्ड नंबर 4 में, जहां राशन का जो डिपो है वो बंद पड़ा है और काफ़ी लोग हैं जो वो परेशान हो रहे हैं। वो बताएंगे अपनी आप बीती। बताएं क्या हुआ? सर हम यहां पे 8 बजे खड़े हुए हैं। यहां पे 8 बजे इतनी परेशानी हो रही है, यहां पे कोई लॉकडाउन का ध्यान नहीं हो रहा है, कोई डिस्टेंस कोई रूल नहीं है यहां पे किसी वजह से। इतने परेशान हो रहे हैं और 2 घंटे का टाइम दिया उन्होंने, अब हम क्या करें? 11 से 1 बजे तक का टाइम है सर जी, 2 घंटों में खुल नहीं रहा है और सभी लोग परेशान हैं। 70 से 80 लोग जो है वो लाइन में खड़े हुए हैं। अगर ये डिपो अगर लमसम टाइम से खुले तो जो भी सामान राशन वाणी है वो वितरित हो सके अच्छे ध्यान तरीके से। भीड़ होने का कोई यहाँ पे काम ही नहीं है अच्छे ढंग से। अगर ये डिपो चले तो कोई ऐसी कुछ देना